हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर के सेशन में जा रहे हैं, जो कि झारखंड सचिवालय 11th JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है। JSSC के आने वाले एग्जाम, पर्यवेक्षिका, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट। हम लोग चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। झारखंड क्रिकेट, झारखंड की राजधानी रांची में क्रिकेट किंगडम नाम से क्रिकेट अकादमी की शुरुआत किस क्रिकेटर ने की? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है सुरेश रैना, डी है मनोज तिवारी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा का पिक भी यहाँ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने रामगढ़ जिला में स्थित महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया या क्या रख दिया? ठीक है, तो ये रामगढ़ जिला में, ये पिछले सरकार में महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया था, बट इसमें क्या हुआ कि महिलाओं की उतनी एडमिशन नहीं हो पाई, जिसके कारण इसमें से सभी के लिए सामान्य कर दिया गया और इसका नाम बदल करके रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया। ठीक है, रामगढ़ इंजीनियरिंग, महिला एवं पुरुष अब दोनों के लिए ही ये गोला प्रखंड में है, रामगढ़ के गोला प्रखंड में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए अब सामान्य हो चुका है और गोला प्रखंड में ये कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंगोर नामक पुस्तक, अंगोर नाम के पुस्तक की रचना किसने की है? तो अंगोर नाम की पुस्तक जो है वो ऑप्शन है महुआ माझी, अल्बिनोस ए मिंज, कालीचरण हेम्ब्रम, जनसीता करकट्टा। इसका आंसर हो जाएगा जनसीता करकट्टा नाम है, एक पत्रकार भी हैं और इन्होंने जड़ों की जमीन और ईश्वर और बाजार, इनकी काव्य संग्रह है ये सब। अंगोर तो है ही लेकिन और भी है, जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार ये जसिंता करकट्टा जी हैं और ये महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री हैं और ये अभी राज्यसभा की सांसद भी हैं। इन्होंने दो किताबें लिखी हैं, एक मैं बोरिसाइल्ला, इनका बुक का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोरिसाइल्ला, और मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ओके, और अल्बिनियस ये मिंज ने लिखा है कुडुक ग्रंथ। कालीचरण हेम्ब्रम ने लिखा है शिशिर जली। ये सारे ही बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत, ये दो बुक जो हैं, ये स्टार लगा रहा हूँ, ये PBI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको इस जनसीता करकट्टा जी को इसके लिए बहुत फोर्ब्स इंडिया में इनका नाम आया था, फोर्ब्स इंडिया 2022 के रिपोर्ट में इंडियाज सेल्फ मेड ओमेन 2022 के लिस्ट में शामिल हुई थी, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जनसीता करकट्टा का। और महुआ माझी राज्यसभा की सांसद है JMM से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरोजनी लकड़ा द्वारा लिखित बुकलेट राइट ETGA रोल मॉडल एथलीट फॉर अंगर पीपल इन इंडिया का विमोचन किया है, यह किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित? तो अगर आप ये पिक्चर पहचान पा रहे होंगे, ये फोटो पहचान पा रहे होंगे कि किस खिलाड़ी, कौन सी खिलाड़ी हैं, ये रामनाथ कोविंद जी हैं, ये ध्यानचंद अवार्ड दिया जा रहा है सुमराय टेटे जी हैं, ठीक है, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, चीज के खिलाड़ी हैं, हॉकी,
इसका आंसर हो जाएगा सुमराय टेटे, ऑप्शन नंबर सी। और हॉकी में जो ध्यानचंद अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड इनको 2017 में मिला है, और यह अवार्ड पाने वाली यह पहली हॉकी महिला खिलाड़ी है। सिमडेगा जिले की रहने वाली है, सिमडेगा की रहने वाली है। सिमडेगा को क्या कहा जाता है? सिमडेगा और पुटी को नर्सरी ऑफ हॉकी, ठीक है, का नर्सरी कहा जाता है सिमडेगा को। ये जो अवार्ड मिला है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका, क्योंकि इन्हें ये पहली महिला हैं जिनको ये अवार्ड मिला है हॉकी में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। दीपिका कुमारी के बारे में जानते हैं, ये तीरंदाज है। ये अष्टमा उराव के बारे में जानते हैं, ये फुटबॉलर है, ठीक है, हम लोग फुटबॉलर है। और ये कहाँ की है? गुमला की है। खिलाड़ियों का घर जो है किस गृह जिला, वो इम्पोर्टेंट है, फुटबॉलर गुमला जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए ओपीएस को पुनर्बहाल कर दिया है, ऐसा करने वाला झारखंड कौन सा राज्य है? ओपीएस मींस ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी क्या है कि 2004 के बाद एनपीएस लागू कर दिया है, एनपीएस लागू कर दिया गया है, तो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, और पहले जो था वो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो राज्य, छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसने ये किया है, और हमारा झारखंड जो है वो तीसरा राज्य है, ठीक है, तीसरा राज्य है। उसके बाद जो अंतिम राज्य है उसमें हिमाचल प्रदेश है, इसमें पंजाब है, राजस्थान है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हिमाचल पर ये 5 राज्य हैं, नाम याद रखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने ओपीएस को पुनर्बहाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस जिले में अदानी पावर कंपनी को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ये हजारीबाग, गोड्डा, दुमका, रामगढ़। तो गोड्डा में इनका पावर प्लांट लगा है जो कि बहुत ही हैवी पावर प्लांट है। यहाँ से क्या होता है, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जाती है, इसको बांग्लादेश को। अभी इसमें सबसे पहले इसमें 800 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन आगे जा करके इसमें 1600 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, झारखंड बजट 2023-24 में किस जिले में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है? रांची, दुमका, गढ़वा, लातेहार। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। रांची में क्या है, बजट में प्रावधान है कि मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का स्थापना किया जाएगा, और इसी के साथ इसमें से समझ लीजिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है बजट में। इम्पोर्टेंट होता है ये सब सारा डाटा योजना के लिए। बजट में 300 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसी में 180 करोड़ रुपया जो है वो 3 चीजें बनेंगी, गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डायरी प्लांट एवं रांची में मिल्क प्रोडक्ट, गिरिडीह एवं जमशेदपुर, जमशेदपुर में
नए डेयरी प्लांट, नए डेयरी प्लांट, और रांची में इसी से रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSCA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, संजय सहाय, नफीस अख्तर। तो संजय सहाय जो है JSCA के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और नफीस अख्तर जो थे उस वो इसके पहले के थे। JSCA स्टेडियम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। JSCA स्टेडियम का पहले मुख्यालय जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में था, बट इसको लाने की बात चल रही थी रांची, ठीक है। तो अभी भी जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में मुख्यालय है, और JSCA स्टेडियम का, क्योंकि आप इसके वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ जो एड्रेस दिया हुआ है वो किनन स्टेडियम का ही, जमशेदपुर का ही पता दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो जमशेदपुर बताएंगे। और JSCA स्टेडियम का निर्माण 2010 में, इस स्टेडियम का निर्माण कब हुआ है? 2010 में हुआ है। उसके बाद फिर इसको जो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था वो अमिताभ चौधरी, IPS अमिताभ चौधरी थे, उन्होंने किया था, जिनका निधन कुछ दिन पहले हो गया है। अमिताभ चौधरी को किस नाम से जाना जाता है? मिस्टर झारखंड क्रिकेट, मिस्टर झारखंड क्रिकेट, झारखंड क्रिकेट के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से JSCA स्टेडियम का निर्माण जो है वो 2010 से 2011 में हुआ है, और क्या है कि यह यहाँ पर जो जितने भी मैच आयोजित हुए उसको भी हम लोगों को जान लेना है। 2010 से 11 में ये हुआ है, और सबसे पहला मैच यहाँ पर 2013 में 19 जनवरी 2013 को हुआ है। कौन सा? फर्स्ट ODI, फर्स्ट ODI जो हुआ है यहाँ पर वो 2013 में, किसके किसके बीच? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। लास्ट ODI जो है यहाँ पर, लास्ट ODI है 2022 में, किसके किसके बीच? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट T20, सब कुछ याद रखेंगे, इसके फर्स्ट T20 जो है ये हुआ 2016 में, 2016 में कहाँ? इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका ऐसे लिख दिया। लास्ट ODI जो है, लास्ट T20 जो है ये हुआ है 2023 में, 2023 में किसके किसके बीच में? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और फर्स्ट टेस्ट मैच का अगर बात किया जाए, फर्स्ट टेस्ट मैच का किसके बीच में हुआ है? फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2017 में हुआ था, 2017 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंडिया वर्सेस इंडिया। लास्ट हुआ है यहाँ पर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इतने सारे मैच हो, और भी मैच हुए हैं IPL वगैरह के, वो सब मैं नहीं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर PPP मोड में अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोलने का प्रस्ताव है? PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, पब्लिक जिसमें से सरकार और निजी कंपनियों की हिस्सेदारी रहती है, तो उसको बोलते हैं PPP मोड। और अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोलने का प्रस्ताव है बजट में। अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर मतलब जिनको दारू की लत लग जाती है, शराब की लत लग जाती है, तो उनको छुड़वाने के लिए ये जो एडिक्टेड हो जाते हैं उनको खत्म करने, उनका एडिक्शन खत्म करने के लिए ये सेंटर खोला, तो ये सेंटर रांची में खोला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड के किस वीर शहीद के नाम से एक द्वीप का नाम रखा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो सारे फैक्ट हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और फोटो भी लगाए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप फोटो अगर देख रहे पा रहे होंगे तो इनका नाम है अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र विजेता है अल्बर्ट एक्का मरणोपरांत, और ये हैं रणधीर वर्मा, एसपी थे। ठीक है, सबसे पहले एसपी का कहानी सुनेंगे। एसपी रणधीर वर्मा धनबाद के एसपी थे, इन्होंने बैंक डकैती को रोका था और उसमें ये शहीद हो गए। ठीक है, मुठभेड़ में डकैतों के, और इनको मिला था अशोक चक्र, इनको मिला था अशोक चक्र। आप देख सकते हैं डाक टिकट जारी किया गया था। और इन्हीं के साथ एक और नीरजा भनोट का नाम आपने सुना होगा, है ना, नीरजा भनोट, तो उनको भी मिला था अशोक चक्र इसी समय, तो ये याद रखेंगे। और परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का के नाम पर ही एक द्वीप का नाम किया गया है अंडमान निकोबार में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अल्बर्ट एक्का हो जाएगा। और रणधीर वर्मा को क्या मिला है? अशोक चक्र। अब देखिए इसका न्यूज जो था ये क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीप, मतलब उनका नाम कोई नहीं था, कुछ नाम नहीं था, तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का समारोह में शामिल हुए। सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर उन अनाम द्वीपों का नाम रख दिया है, और इनमें से एक द्वीप जो है वो लांस नायक अल्बर्ट एका के नाम पर भी रखा गया है। और इसी में 23 जनवरी के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, इसमें से इस पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में नेताजी के नाम वाले द्वीप पर बनाए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया था, और राष्ट्रीय स्मारक के एक मॉडल का भी अनावरण किया था। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नेताजी की स्मृति का सम्मान करने के लिए 2018 में द्वीप की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा क्रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे रखेंगे, रॉस को बॉस कर दिया गया है ना, और नील द्वीप को हैवलॉक, तो हैवलॉक मतलब स्वर्ग होता है, तो नीला जो आकाश है वो स्वर्ग से रिलेट करिए, और नीला जो होता है वो आकाश होता है, तो हैवलॉक द्वीप को नील द्वीप कहा गया है। ठीक है, और शहीद द्वीप और नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो देखिए हैवलॉक से क्या हुआ, स्वराज याद रखना है, और नील से आपको याद रखना है शहीद। ओके, नील से शहीद मतलब शहीद होने के बाद को ऐसे समझिए कि इसको ऐसे याद रख लीजिए, किसी तरह से आप याद रख सकते हैं, बट ऐसे याद रख सकते हैं कि शहीद होने के बाद शरीर नीला पड़ गया था, तो नील को शहीद हो नील शहीद हो गया, और हैवलॉक स्वराज हो गया। हेवन होता है, स्वराज अगर मिल जाता है किसी आदमी को, हम लोगों को भी स्वराज चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करी है, तो स्वराज के लिए हैवलॉक हो गया। ठीक है, और अनाम द्वीपों में जो नाम है वो मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार करम सिंह, रामा राघोबा, राणे जदुनाथ सिंह, मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जी एस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर, मेजर शैतान सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद, और भी अन्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच, अगर आप फोटो से पहचान पा रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ऑप्शन है दीप्ति कुमारी, सदानंद कुमार, कोमोलिका बारी, सुप्रीति कच्छप। तो ये जो स्प्रिंटर हैं ये क्या है, धावक, धावक को बोला जाता है स्प्रिंटर, तो ये स्प्रिंटर है, और ये हैं सुप्रीति कच्छप। ये जो फोटो लगा हुआ है, सुप्रीति कच्छप जी का फोटो लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए इसमें अब इन्होंने 14 से ज़्यादा नेशनल टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, और गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के बुरहू गांव की रहने वाली, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जिला, कौन सा जिला है, गुमला जिला। ठीक है, और इन्होंने खेलो इंडिया 2022 जो कि पंचकुला में आयोजित हुआ था,
वहाँ पर इन्होंने स्प्रिंटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था खेलो इंडिया 2022 में, खेलो इंडिया 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बेबी देवी कौन सी मंत्री है? तो बेबी देवी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो जगन्नाथ महतो, पुरुष शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, उनका निधन होने के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बनी। उसके बाद उपचुनाव हुआ डुमरी में, डुमरी विधानसभा से जगन्नाथ महतो विधायक थे। और उनको किस नाम से, उपनाम क्या था उनका? टाइगर, टाइगर उपनाम था। तो उनका जो निधन हो गया, उसके बाद फिर बेबी देवी उनकी पत्नी मंत्री बनी। ठीक है, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री। इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन में बेबी देवी जेएमएम इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी, और एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार कौन थी? जसोदा देवी। एनडीए में कौन कौन थे उस समय? एनडीए आजसू और बीजेपी की संयुक्त उम्मीदवार थी जसोदा देवी। जसोदा देवी को इन्होंने 17,156 मतों से हरा दिया था, 17,156 वोट से हराया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया किस जिला ने? तो इसमें से साहिबगंज जिला ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से क्या है कि ये जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, पांच लगातार हैं। झारखंड के ही पांचों जिला हैं और इन्होंने एक से पांच तक कब्जा किया है। तो इसमें से 9 मई 2023 को नीति आयोग द्वारा मार्च 2023 के लिए देश की 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। इस पर एक और क्वेश्चन बनता है अल्प विकसित के लिए, तो वो क्वेश्चन अभी नहीं है यहाँ पर, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में जिलों का स्थान इस प्रकार है कि प्रथम स्थान साहिबगंज, द्वितीय स्थान रामगढ़, तृतीय गोड्डा, चतुर्थ हजारीबाग, पंचम पश्चिमी सिंहभूम। और इस जिलों में विकास की योजनाओं के संदर्भ में बेहतर काम किया गया है। चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग तय करने में संदर्भ नीति में आयोग ने पांच व्यापक पैरामीटर तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो पैरामीटर कितने हैं? पांच पैरामीटर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल पैरामीटर पांच हैं। फर्स्ट कौन है? स्वास्थ्य एवं पोषण, इसके लिए 30% अंक दिया जाता है। शिक्षा के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 30%, 60% हो गया। कृषि एवं जल संसाधन के संदर्भ में अच्छा विकास करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए 30%, 60 और 20 80। और वित्तीय समावेशन, मतलब बैंक वगैरह अच्छा रहना चाहिए, वित्तीय समावेशन वगैरह अच्छा रहना चाहिए। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट भी अच्छा रहना चाहिए, तब 10 मार्क्स मिलता है इस पर, इसके ऊपर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी 10 मार्क्स मिलता है, टोटल 60 मार्क्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन, झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और 24 मई 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के धुरुआ में, कहाँ पर है? रांची का धुरुआ में। और इसके इसका जो लागत है वो 550 करोड़ है, कहीं कहीं पर आपको 600 करोड़ भी मिलेगा, बट यहाँ पर 550 करोड़ है, तो उसको लगभग करके 600 करोड़ बना दिया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो 600 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु इसमें ये है कि इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघावाल, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे। और 165 एकड़ में फैला हुआ परिसर है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 165 एकड़ का क्षेत्रफल है इसका, और जो सभी देश में अभी जितने भी हाई कोर्ट के परिसर उसमें से सबसे बड़ा है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से कई गुना बड़ा है। ठीक है, उनका 22 एकड़ है।
अब यहाँ पर नए उच्च न्यायालय भवन में 25 वातानुकूलित कोर्ट रूम, 2 हॉल और 540 कमरे हैं जिनमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। नए परिसर में 30,000 वर्ग फीट में लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें 5 लाख से ज्यादा कानून की किताबें रखी जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोराई बैराज किस जिले में है? तो तोराई बैराज गोड्डा, रांची, गिरिडीह, धनबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोड्डा में। ठीक है, गोड्डा में क्या क्या है? गोड्डा जिल और यहाँ पर बिसुआ मेला लगता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है वो समझ लीजिए, फैक्ट स्टैटिक भी है, बिसुआ मेला। और कौन सा मेला लगता है? निमझर, निमझर मेला। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, माँ योगिनी का मंदिर, माँ योगिनी मंदिर। किस पहाड़ी पर है ये? बाराकोपा पहाड़ी पर, जो कि बाराकोपा पहाड़ी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। और सीपी राधा कृष्णन जी जो हैं वो ये 2 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं, 1998 में और 1999 में, लगातार उस समय चुनाव हो गया था। ठीक है, तो 1998 और 1999 दोनों, उसके बाद जो भी इलेक्शन हुए उसमें से इनकी पराजय हो गई थी और ये कोयम्बटूर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, कहाँ से इन्होंने इलेक्शन जीता था? कोयम्बटूर से। और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में झारखंड किस स्थान पर था? तो यहाँ पर है ऑप्शन 10वां, दूसरा, 17वां और 34वां। ऑप्शन इसमें से 10वां, दूसरा, 17वां और 34वां। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है EACPM 24 दिसंबर 2022 को राज्यों के सामाजिक, जिसको बोला जाता है SPI, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। और इस रिपोर्ट में एक तरफ पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा और झारखंड और बिहार सबसे खराब था, झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे खराब। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का जो SPI स्कोर था वो सबसे कम 43.95 था, 43.95, और बिहार का स्कोर जो था वो 44.47 था। और ये सूचकांक जो है प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों में 12 घटकों के आधार पर राज्य और जिलों का आकलन करता है। उसमें से बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं कौन कौन सा 3 पॉइंट है, बुनियादी आवश्यकताएं, आवश्यकता, बुनियादी मानवीय आवश्यकता, दूसरा कल्याण की नींव, कल्याण की नींव, और तीसरा अवसर, तीसरा अवसर। तो फर्स्ट रैंक जो था पुडुचेरी का और लास्ट रैंक था झारखंड का, फर्स्ट पुडुचेरी, कितना रैंक इसका पॉइंट था 65.99 और 34th था लास्ट झारखंड और हम लोगों से एक ऊपर बिहार था। ठीक है, झारखंड का 44.45
ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन है? विचारों के 11 अध्याय के लेख विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन है? तो ये लेख ऑप्शन है पशुपतिनाथ सिंह, सरयू राय, हेमंत सोरेन, रविन्द्रनाथ महतो। तो पशुपतिनाथ सिंह धनबाद से सांसद हैं, धनबाद के, ठीक है। सरयू राय पूरे देश में चर्चा के विषय केंद्र बन गए थे तब 2019 के विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को इलेक्शन में पराजित किया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो नाला से विधायक हैं। कहाँ से विधायक हैं? नाला से थर्ड टर्म विधायक है, 3 बार विधायक हैं, ठीक है। और इन्होंने ही विचारों के 11 अध्याय लिखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो, इसमें से इसको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबिया खाड़ मेला कहाँ लगता है? दुबिया खाड़ मेला जो है कहाँ लगता है? पलामू, दुमका, चतरा, रामगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू, क्वेश्चन नंबर ए। ये फरवरी महीना में लगता है। किस मंथ में लगता है? फरवरी में। और क्या है यहाँ पर इस ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ, राजकीय मेला का दर्जा, मेला का दर्जा प्राप्त हुआ। और भी इसके बारे में एक पॉइंट है क्या? इसमें इसे आदिवासी कुंभ मेला के रूप में जाना जाता है, इसे आदिवासी कुंभ मेला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और लास्ट क्वेश्चन है, कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? कुटनी देवी, केदार कानन, हीरामन कोरवा, इनमें से कोई नहीं। तो कुटनी देवी जी को पद्मश्री मिला है, कब पद्मश्री मिला है? 2021 में। इसलिए इन्होंने डायन प्रथा के खिलाफ काम किया है, ठीक है। डायन प्रथा उन्मूलन के लिए काम किया है, डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए इन्होंने काम। नेक्स्ट है केदार कानन। तो केदार कानन मैथिली भाषा के लेखक हैं। इन्होंने एक लिखा है, एक पुस्तक है, अक्ष पर नचैत, अक्ष पर नचैत, ठीक है। ये स्टैटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केदार कानन का। नेक्स्ट है हीरामन कोरवा। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि नाम से ही कोरवा भाषा का शब्दकोश हीरामन कोरवा जी ने तैयार किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हीरामन कोरवा किस जिले के निवासी हैं? ये गढ़वा जिले के निवासी हैं, गढ़वा जिले के निवासी हैं। और 12 साल की कड़ी मेहनत के से इन्होंने इस शब्दकोश को तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इनका बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करी थी कि ये न्यूज़ में है, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आशा है कि आप बने रहेंगे, और भी वीडियो आएंगे करंट अफेयर के, अच्छे अच्छे रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।